हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रिसमस फीस्ट के। इसको हमने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर बनाया, तो आइए देखिए इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम बॉल को ग्रीस कर लेंगे जिसमें हमने ये केक बनाना है। ये बोरोसिल का बॉल था मेरे पास, ये लिया है मैंने। इसको अच्छी तरह से ग्रीस करके इसके ऊपर मैदा लगा लेती हूँ थोड़ा। ये स्प्रिंकल कर देना मैदा थोड़ा, और चारों तरफ से इसको ऐसे ये एक्स्ट्रा मैदा हम निकाल लेते हैं। तो अब ये हमारा बॉल तैयार हो चुका है, इसको हम साइड पे रखते हैं। ये मैं 2 टेबलस्पून के करीब बटर ले रही हूँ। इसको थोड़ा मैंने गरम कर लिया था क्योंकि आजकल सर्दी है तो बटर बहुत हार्ड होता है। इसमें अब हम 70 ग्राम के करीब मैं शुगर डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से हिला देंगे, मिक्स कर देंगे, पूरी तरह से फेंट देना इसको। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हमने बीट कर लिया। अब इसको हम साइड पे रखते हैं। अब दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं 150 ग्राम मैदा ले रही हूँ। छान लेते हैं इसको इससे। ये जितना हमने मैदा लिया है उससे आधा मैंने मिल्क पाउडर लिया, 75 ग्राम के करीब। 1/4 चम्मच मैं बेकिंग पाउडर का डाल रही हूँ, और आधा टीस्पून के करीब मैं बेकिंग सोडा का डाल रही हूँ। अब ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें आटा डालते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे इसको। यहाँ पर हमने 1 कप मिल्क का भी इसमें ऐड करना है, वो भी धीरे धीरे डालते जाएंगे। ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाते जाएंगे, साथ साथ मैदा डालते जाएंगे और साथ साथ दूध मिला देंगे। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब हम इधर ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स में ये मैंने बादाम थोड़े से काट कर लिए। ये अपनी चॉइस का आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। थोड़े से काजू ले लिए मैंने। ये अखरोट लिए, किशमिश लिए, इसको मैंने नहीं काटा है, और थोड़ी सी रेड एंड ग्रीन चेरी लिए। अब ये सारे को हमने मिक्स कर लिए। अब इसको थोड़े से को तो हम बीच में डाल देंगे, थोड़ा सा हम बचा कर रखेंगे ऊपर डालने के लिए। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। ये थोड़ा सा हम बचा कर रख लेंगे, ये ऊपर डाल देंगे। अब इसमें एक चीज रह गई हमारी डालने वाली, वनीला एसेंस, वो डालते हैं अब हम इसमें। अब 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ। मिला देते हैं इसको अच्छी तरह से। अब इसमें ये बैटर डाल देते हैं। अब इसको टैप करके थोड़ा इसका लेवल बराबर कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम ये जो हमने ड्राई फ्रूट वगैरह बचा के रखा था ये डाल देते हैं। ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था 180 पर। अब वो मेरा गर्म हो चुके, अब उसमें ट्रांसफर कर देते हैं केक मटेरियल को। ये अब इसमें हम रख देते हैं ध्यान से।
देखिए ये हमारा कितना सुंदर केक बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, इसके ऊपर हम ऐसे प्लेट रखेंगे। थोड़ा सा हम टैप कर देंगे। ये देखिए हमारा ये केक कितना सुंदर, कितना फ्लफी भी है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए हमारा केक बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको काट लेते हैं। बहुत ही फ्लफी बना है केक ये हमारा। ये देखिए ये कितना डिलीशियस केक बनकर तैयार हुआ है हमारा। ये देखिए कितना फ्लफी है, ये स्पंज के जैसा केक बना है। ये देखिए ये हमारा कितना सुंदर केक बनकर तैयार हुआ है। तो इस बार आप भी कोशिश करें घर में ही केक बनाने की क्रिसमस पे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।